हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख ही रहे हैं, पूरी तरीके से गेंदे से भरा हुआ है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और लगा भी किस में हुआ है, देखिए, बिल्कुल एक थर्माकोल की पेटी है और बहुत ईजीली जो है इसमें इतने अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं। और आप जान के बिल्कुल सरप्राइज होंगे कि ये कोई भी पौधे इनके खरीदे हुए नहीं है, खुद अपने हाथों से तैयार किया हुआ है। तो जिन्होंने इस गार्डन को बनाया है और इतने सस्ते में बनाया है, तो चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से वो इन फूलों को लगाती हैं। तो दोस्तों, जिस दीदी ने इस गार्डन को तैयार किया हुआ है वो सामने ही हमारे खड़ी हैं। तो दीदी, आपका स्वागत है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारा घर में, हमारे बगिया में। बहुत सुंदर लगा आपका जो ये बगीचा है और ख़ास तौर से जो गेंदे के फूल आपने लगा रखे हैं यहाँ पर, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है अनिता राय, दिनेशपुर वार्ड नंबर 4, दिनेशपुर उत्तराखंड से। हाँ, बहुत ही सुंदर। तो ये जो इतने सारे ये गेंदा जो आपने तैयार कर रखे हैं, ये कौन सा, लड्डू गेंदा कहते हैं इसको? हाँ, इसको लड्डू गेंदा कहते हैं। और पुराना पेड़ से मैं डाली काट काट के लगा लगा के सारा पेड़ मैंने लगाया। अच्छा, सब ये पुराने ब्रांच से ही तैयार किया आपने? हाँ, पुराना ब्रांच से ही तैयार किया मैंने। और ये पौधा जो है फूल ऐसे खाली सर्दियों में आते हैं या गर्मियों में भी रहता है? गर्मियों में भी आता, हमेशा लगा रहता पेड़ में फूल मेरा। अच्छा, गर्मियों में भी ऐसे ही पूरा रहता है? इसका पेड़ में दोबारा फिर नया बना भी लिया, जैसे ये खत्म होगा फिर दोबारा उसको लगाना है, उसमें फिर फूल आ जाते हैं। और ये जो इतना सुंदर लग रहा है नीचे जो आपने ये लगाया है, ये क्या है? ये जो किचन वेस्ट है उसी का जो खाद, वही डाल देती हूँ मैं, तो इसी में हो जाता है मेरा। अच्छा, किचन वेस्ट के खाद से? हाँ, आपने मिट्टी तैयार कर रखा है बॉक्स में। और कभी कभी अगर गोबर का खाद मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किचन वेस्ट ही मेरा काम चल जाता। तो किचन वेस्ट का जैसे आप खाद तैयार करती हैं, तो कोई बाल्टी वगैरह में रख करके करते हैं? पेटी में रखते हैं, उधर है पेटी में। जैसे किस तरीके से करते हैं? ये देखो, ये अभी तो रख ही रहा हूँ और इसमें है ये पुराना। अच्छा, ये जैसे आपने पेटी में किचन वेस्ट को इसके अंदर खाली डाल के रख दिया? ना, इसमें था तो भर गया, तो मैं इसमें से इसमें करके रख दिया, अब इसमें फिर दोबारा डाल रहा हूँ। अच्छा, पहले जैसे ये आपने भरा सारा चीज इसमें अंदर डाल दिया? हाँ, तो कम हो गया, फिर इसमें डाला, अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ तो इसको रख दूंगी इसे ढक के, और फिर बाद में ये भरता रहेगा, जैसे ये सड़ जाएगा वो पूरा तैयार हो जाए फिर उसमें डाल दूंगी मैं इसको। अच्छा, तो इसी को आप फिर मिट्टी के साथ मिलाते हैं? मिट्टी के साथ जड़ों में डाल देती हूँ, दो चार मिट्टी करके, तो हो जाता मेरा। बहुत सुंदर। और ये जो पेटी है, थर्माकोल के पेटी है? हाँ, थर्माकोल की पेटी है। ये पेटी कहाँ से लाते हैं आप? ये पेटी बाजार से मिल जाता, मछली मार्केट में से वहीं से लाते। अच्छा, फिश मार्केट से ये मिलता है? और लगभग कितने का मिलता होगा ये? ऐसे 40 रुपये 30 रुपये में मिल जाता है। 30-40 रुपये का ये मिल जाता है? सब पुरानी होती है? पुरानी होती है। तो ये जो आज जैसे आप कह रहे हैं कि इसको आपने ब्रांच से तैयार किया है, तो ब्रांच कहाँ से लेते हैं इसका? जैसे अभी तो इसमें ब्रांच काटने की जगह नहीं है, जो काटना था मैंने काट के लगा दिया, तो वो मेरे बहन ले गया, फिर मैं दोबारा लगाई। अच्छा, फिर भी एक जो है दिखा दीजिए जिससे किस तरीके से काटना है, जैसे इस तरह का ब्रांच हम ले सकते हैं? नहीं, इसमें है ही नहीं उस तरह का कोई ब्रांच। अच्छा, जिसमें कली ना हो। अच्छा, उसको ये जैसे है? हाँ, ये नया जिसमें कली ना हो उसको काटो और लगाते तुरंत उसमें जड़ छोड़ देता, और लगाओ फिर बढ़िया हो जाता। अच्छा, ये जैसे कली वाला है, अगर हम इस ब्रांच को ले ले और कली को तोड़ दे, तो ऐसे लगा सकते हैं इसको? लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसमें, थोड़ा टाइम लगता है। और वो जो बगर कली का, वो तुरंत हो जाता है। ठीक, बगर कली में। और कितना बड़ा लेना होता है ब्रांच? ब्रांच जैसे ये इतना सा ले लो और इतना सा मिट्टी में डाल दो, थोड़ा ये दो पत्ता काटो और इतना मट्टी में डाल दो, बस इसी में बस हो जाएगा। इसी ये लगभग मस्त चैलेंज, बस ऐसे ही हमको लगा देना है और मिट्टी में ही लगा देना है। मिट्टी में ही लगा दो, मैं तो कहीं पर भी लगा दूँ, जैसे हो जाए तुरंत दोबारा लगा दो। और रेत में भी लगा सकते हैं? रेत में भी लगा सकते हो, रेत में भी हो जाता है।
ये सब आपने कितने महीने पहले इसका तैयार किया था पौधा? ये इसी अगस्त अगस्त में तैयार किया था अच्छा, मैंने। अगस्त में आपने पौधा तैयार किया। हाँ, 15 अगस्त से पहले पहले मैंने लगाया, फिर जैसे बारिश खत्म होने वाला ही था तब मैंने लगा दिया इसमें और सारे फूल कब से आना शुरू हो गया था इसमें? फूल। तो 1 महीना हो गया फूल खिल रहा है इसमें, 1 महीने से ज़्यादा ही एक हो महीने से गया, ज्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया और क्योंकि इस पुराना बीच हो में गया। भी, बीच में भी आप अभी भी ब्रांच काट करके लगा रहे हैं? हाँ, लगा रही हूँ। और मैंने अपने तैयार भी कर लिया था, लेकिन वो पेड़ मैं घर में नहीं थी, मेरी बहन ले गई, फिर मैंने देखा मुझे तो चाहिए, फिर दोबारा मैंने लगा दिया। अच्छा, ये जो आप काट रहे हैं हाँ, तो ये किस तरह, क्या कौन सी चीज को काटते ये हैं? मैंने फूल तोड़ा तो इसका जो बच गया फटाफट, उस टाइम तो जल्दीबाजी में तोड़ के ले गई, पूजा के ठीक टाइम ठीक हो गया था। तो बाद में मैं क्या करती हूँ, कैंची लेती हूँ और ऐसे काट के निकाल देती हूँ, क्योंकि इसमें से इसके एनर्जी ख़त्म कर देते, इसीलिए इसको काटना चाहिए, अच्छा होता है। और और इससे फिर मेरे ख्याल से नीचे से और ब्रांचेस भी आ ब्रांच, जाते हैं। हाँ ब्रांच से आ जाते हैं और इसमें एनर्जी मिल जाता है इन ब्रांच को। बिल्कुल, नए नए ब्रांच आएंगे उसमें फिर हाँ, फ्लावरिंग और भी ज्यादा और होगी, भी ज़्यादा होंगे तो ये काम हमें करते रहना है। सीधा सीधा मतलब फूल बस। को ऐसे तोड़ करके ले जाते हैं तो हाँ ये गलत तरीका होता है। हाँ गलत तरीका, इसको बाद में काट देना चाहिए। अभी तो मैं अकेली हूँ, समय नहीं दे पाती हूँ, क्या करूँ, थोड़ा बहुत थोड़ा। सुंदर। और ये कोने में क्या दिखाई दे रहा है? ये चीकू का ये है है? चीकू का पेड़ है, मुझे शौक है चीकू का। तो अभी तक मैं चीकू आया है इसमें नहीं कहीं? आया, 1 साल हुआ नहीं लगाया उसको, अच्छा, अभी नया है। नया ही है अब, और नीचे नीचे भी आपने कुछ थोड़ा फूलों के फूल। पौधे लगा दिए हैं? हाँ, इसमें लगा दिया थोड़ा थोड़ा फूल का पेड़। ठीक, आइस अभी प्लांट भी लगा हुआ आइस है। प्लांट है और उधर वो भी है, हो जाएगा सब धीरे 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 होता रहेगा। अच्छा, इधर भी गेंदा भरा ये हुआ है। मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये इसी 1-1.5 महीने हुआ ये वाला पेड़ लगाया था, देखो इसमें भी कितना अच्छा फूल खिल गया। बहुत सुंदर। और ये जो है पीपे में लगा हुआ है, जो तेल हाँ का टिन होता हाँ है हाँ हाँ उसी का यूज किया, उसी का ही, ये ये आपने कट्टे कट्टे का में, यूज किया और इसी में इतना मतलब मुझे सुंदर जो भी मिल हो रहा है। जाए मैं यूज़ कर लेती हूँ, मुझे फूलों का अच्छा लगता, फूल बहुत पसंद है। और इसके बाद इधर क्या लगा रखा है आपने? इधर यही गुलदाउदी। गुलदावरी लगाया, एक कट्टे में बहुत सुंदर। लगाया, ये पेटी में लगाया। अच्छा, ये पेटी में लगा हुआ है गुलदाउदी। ये पुराने जैसे पौधे ये हैं वही है? पिछले साल मैंने जहाँ भी मुझे पेड़ मिला मैं उठा के ला के लगा के एक पेटी में रख दिया। अब जैसी इसका टाइम हुआ तो मैंने सारा पेटी में करके लगा दिया, इसमें भी बड़ा अच्छा फूल था, तो मैंने आज ही इसका कटिंग करके फेंक दिया, क्योंकि ये इसमें फिर दोबारा फूल खिलेंगे। अच्छा, इसमें हाँ, इसीलिए इसमें बड़ा अच्छा फूल था। तो ये आप कटिंग से लगाते हैं हाँ, सब? ये सारे कटिंग का है, मुझे एक भी पेड़ खरीदा हुआ नहीं है दुकान मार्केट का, एक भी नहीं है। ये वाला आपके लाया नया, ये अच्छा, अच्छा लग रहा था। इस बार लाए इसको, हाँ, ये नया लाया तो मुझे और अच्छा लग रहा था, ये भी तभी कट्टे मैं में ही लगा दिया ये आपने? मैंने ठीक, कट्टे में ही लगा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा भरा हुआ। तो लगभग कितने का पड़ता है ये पौधा जो आप ये वाला लाए थे? अच्छा, ये लाया था मैंने 30 का। 30 का आप लाए थे, तो हाँ, 2-4 फूल उस समय खिले हुए थे? ना ना बिल्कुल नहीं था फूल उसमें, बिल्कुल नहीं बिल्कुल था। छोटा सा पेड़ था, वो तो यहीं आके बड़ा हो गया। इसमें भी जो फूल सूख गए हैं उसको आपने काट दिया? हाँ, ये कटिंग करना जरूरी है, इससे अच्छा होता है। ठीक। और इसके बाद जो है इधर क्या, डहलिया लगा दिया? हाँ, ये डहलिया लगाया, ये पुराना डहलिया, अच्छा, ये ये नहीं, ब्रांच लगाया है डहलिया का? ना ना ठीक ये मैं ये नर्सरी से 3 पेड़ लेके आया डहलिया का, क्योंकि इस कलर का नहीं है मेरे पास, तो मैं लाके यहाँ लगा दिया। अब देखो कौन सा कलर खिलता है, और ये ये वाले पुराना है मेरा पिछले साल का, हो इसमें ही तो रहा, बहुत अच्छे खिल भी बहुत रहे हैं। फूल था इसमें, मैं तो हर रोज तोड़ता हूँ और माता के चरणों में चढ़ाती और हूँ। अभी तक तो डहलिया में इस समय तक फूल खिले भी नहीं है, अभी हाँ, तो लोगों ने लगाना शुरू किया है। मेरा तो इसमें कितना फूल मैंने ले लिया, इस दोनों पेड़ से बहुत ले लिया, बहुत। अच्छा, इधर भी आपने लगा रखा है, हाँ तो हर जगह दिखाई दे रहा है कि फूल आपने काफी सारे तोड़े भी हैं इसमें। हाँ हाँ ठीक। ये भी इधर भी गुलदावरी है, इसमें भी लगाया मैंने। अच्छा, इसमें भी आपके गुलदाउदी है। हाँ और इसमें क्या है, तुलसी लगा दिया? हाँ तुलसी लगाया, तुलसी है। इधर भी है। और इसमें ये कौन सा पौधा है? ये है क्या कहते हैं उसको, गुलेड़ का। गुड़हल का पौधा हाँ, है, गुलेड़ का पौधा है तो ये तो। सब ब्रांच से ही लगा हुआ हाँ, है? ये ब्रांच से लगा हुआ, तो अभी इसमें इसको लगाना कहीं दूसरा जगह, तो मैंने कहा अभी है तो रहने, तो बाद में देख लेंगे इसको।
ये मैंने लगाया कटिंग करके, ये देखो जिंदा हो गया सब। अच्छा, ये सब आपने कटिंग लगा दिया? हाँ, ये फिर दोबारा उसमें लगेगा उस पेटी में ही। बहुत अच्छा। और ये सब आइस प्लांट आपने कर दिया? हाँ, आइस प्लांट लगाया। बहुत सुंदर। और इधर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि गेंदा बहुत सारा लगाया आपने। अभी तो ये खरीदा हुआ है? हाँ, ये नर्सरी से छोटा छोटा पेड़ खरीद के लाया था मैं तुलसी से। छोटे छोटे? और फिर इसमें वो छोटा छोटा पेड़ 5 रुपए एक एक। अच्छा, बिल्कुल छोटे वाले जो होते हैं। हाँ, वो उस समय लाए थे। और फिर मैंने इससे ब्रांच निकाल के भी नया बना लिया, ये एक बनाया। अच्छा, ये इसी के ब्रांच से हो जाते हैं? इसी ब्रांच से हो गया। बहुत सुंदर। मतलब 5 रुपए का आपने पौधा खरीदा और वो बड़ा भी हो गया, और उससे उसके ब्रांच से दोबारा लगाने के बाद देखिए कितने सारे फूल आ गए। बहुत सुंदर। और ये सब भी जो है आपने ब्रांच से बनाया? सब ब्रांच से ही है। ये क्या पिटूनिया है? ये पिटूनिया है, अभी खिली रहा है, एक खिला था। ठीक, ये भी डिब्बे में लगा दिया। ये कौन सा पेड़ है ये मुझे पता नहीं, किसी ने मुझे दिया, करे बड़ा अच्छा फूल है, लगा लो। अच्छा, तो मैंने लगाया। हाँ, दोबारा बहुत अच्छा फूल है उसमें तो। और आगे जो है, आगे तक देखते जाते हैं तो बहुत सुंदर गुलाब लग रहे हैं। हाँ, गुलाब भी सुंदर लग रहा है। ऐसे छोटे छोटे फूल आते हैं? हाँ, इसी में ऐसे ही आते, पूरा गुच्छा गुच्छा। ये कितने पहले लगाया हुआ है? ये लगा 1 साल से ज्यादा हो गया। तो इसका जो पुराना पेड़ था वो तो मैंने किसी को दे दिया, और उसमें से डाली काट के यहाँ लगाया, तो यहाँ हो गया। अच्छा, ब्रांच से ही हो गया? ये ब्रांच से ही हो गया। बहुत सुंदर। देखिए कितने सारे फूल जो है और एक ही पौधे में ये खिल रहे हैं। ठीक। और इधर इधर भी आपने देख रहा हूँ बहुत सारे फूल आपने लगा दिए हैं। ये तो पूरा आइस प्लांट होगा? आइस प्लांट है। ठीक। और ये आपका गुड़हल अब भी खिल रहा है इतने ठंड में? बहुत खिलता है, बहुत इसमें। अब तो टेम्परेचर 8 डिग्री 10 डिग्री ऐसे होगा, इसमें भी खिल रहे हैं? तब भी खिलता है। अब देखो कितना सारा कलिया है इसमें, कलियों से पूरा भरा हुआ है। तो एक ही पौधा है ये? एक ही पौधा है, हर जगह कली भरा हुआ है इसमें। इसका फूल इतना बड़ा बड़ा, ये तो छोटा हो गया ना आंटी? छोटा हो गया, इतना बड़ा बड़ा फूल खिलता। अच्छा, इस पेटी में यहाँ क्या लगा रखा है? यहाँ मैंने अभी मट्टी और भूसा है इसमें, थोड़ा मट्टी है, थोड़ा खाद है और रेता है, मिला के डाला और पानी डाल रही हूँ, पूरा बन जाएगा। फिर दो पेड़ भी लगा दिया मैंने, अब होता है तो ठीक है, हो ही जाएगा, धीरे धीरे चल रहा है ये तो। फिर इसमें बहुत अच्छा होगा, पेटी में मस्त हो जाएगा। और यहाँ कट्टों में आपने क्या लगाया? हाँ, ये मैं थोड़ा गोबर का खाद ला के रख दिया, कभी कभी जरूरत पड़ती है गोबर वगैरह लाके इसमें डाल दिया, तो इसी में खाद बन गया। खाद बन गया तो धीरे धीरे ये काम आ जाता मेरा। तो ये सब जो है इसमें भी वही कर रखा है आपने? हाँ, गोबर का खाद, यही सब काम आता है आपके इन पेटियों में। पेटियों में तो मार्केट से भी कुछ खाद वगैरह आप खरीदते हैं? मार्केट से कभी कभी थोड़ा खल ले आती हूँ और उसका पानी बना के फिर डालते। और कोई दवाई वगैरह यूज करते हैं? कभी कदर वो जैसे वो फंगस वाला क्या कहते हैं, कीड़ा लग जाता ना, सफेद वाला कीड़ा। ठीक ठीक ठीक। हाँ, उसके लिए कभी कभी डाल देते, 3-4 महीने में एक बार डाल देते तो हो जाता है, बस हो जाता है। हाँ। और सर्दियों में तो ऐसे भी कीड़े मकोड़ों का अटैक कम होता है। कम होता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और आपके घर में बहुत सुंदर सा एक मंदिर भी है माता का। माता का तो ये माता रानी की कृपा ही है, सब कुछ उनके चरणों के लिए सब कुछ करना पड़ता है मुझे। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान करके। और दीदी, आपने अपना सुंदर सा बगीचा दिखाया और हमें पूरे बगीचे में घुमाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।